दोस्तों, मैं अशोक कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ अशोक सर MZP में। MZP मतलब मिर्जापुर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन। कुछ क्वेश्चन हम लगवाए थे तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट के आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई फोर टेन एक्स डीएक्स, 0 से पाई बाई फोर टेन एक्स डीएक्स। तो आपको पता है टेन एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स क्या होता है, एक तो होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, दो होता है, ठीक है। तो टेन एक्स का मान लेते हैं क्या हो गया, लॉग सेक एक्स, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई फोर। तब देखिए, तो पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो हो जाएगा लॉग सेक अपर एक्स एक्स के स्थान पे पाई बाई फोर माइनस लॉग सेक एक्स के स्थान पर जीरो, इतना हो गया। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, लॉग सेक पाई बाई फोर मतलब क्या, सेक 45 अंश, सेक 45, और आपको पता है कि सेक 45 कितना होता है, रूट टू, तो यहां क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस लॉग। आपको पता है कि सेक जीरो है, का जीरो की वैल्यू वन, तो सेक जीरो की भी क्या हो जाएगी, वन, इतना हो गया। तो या तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला पता है कि लॉग यम माइनस लॉग यन क्या होता है, लॉग यम बाई यन, तो अप्लाई कर दो, तो क्या क्या हो जाएगा, लॉग यम माइनस लॉग यन क्या, लॉग यम बाई एन कितना है, वन, या फिर क्या हो जाएगा, लॉग रूट टू, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, टू है हमारे पास 0 से 1 क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि पता है कि इसी एक लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर से ही हम लोग को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मत भूलिएगा क्या, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तक। एक और बार मैं भूल जाता हूँ बार बार, क्या कि एक वहाँ पे बटन दोगा, घंटी, ठीक है, घंटी होगा, उसी घंटी का आपको दबा देना है, ठीक, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 1 तक, हो गया, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, पहले अपर यानी 1 रखेंगे माइनस फिर लोअर, तो टेन इनवर्स जी, हो गया। अब देखिए तो यहां क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अब आपको पता है कि 1 यानी टेन के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45, टेन 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 45 मतलब कितना, पाई बाई फोर, यानी यहां पर हो जाएगा कि टेन पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स, जीरो का क्या होता है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यहां क्या हो जाएगी, टेन जीरो,
तब देखिए यहां से टेन इनवर्स टेन खत्म क्या गया पाई बाई फोर, माइनस टेन से टेन खत्म क्या गया जीरो, तो हमारा आंसर क्या गया पाई बाई फोर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे समझ में आ रहा है ना, ठीक। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा कि सर आपको ये प्रॉब्लम है। अरे आप ही लोग तो मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा क्या, मैं कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ कैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा उठाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। तीसरा हमारे पास 4 to 5 e to the power x dx, क्या है लिमिट आपको दिया गया है 4 से लेके 5 तक e to the power x dx। अब आपको पता है कि e के पावर x का इंटीग्रल समाकलन क्या होता है e के पावर x, लिमिट कहाँ से है 4 से 5, बस वैल्यू रख दीजिए x की। तो पहले अपर क्या हो जाएगा e टू दी पावर 5 माइनस फिर लोअर e टू दी पावर 4, बस यही क्या हो गया हमारा आंसर। या फिर इसमें से कॉमन क्या है e के पावर 4 अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5 था 4 बाहर ले लिए हैं तो बचेगा e और यहाँ पे 4 बाहर बचेगा क्या 1, हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 हमारे पास क्या है कि 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर आपके पास अगर फॉर्मूला भी पता है तो आपको पता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, किसका फॉर्मूला कॉस एक्स का, ठीक। तो बस कुछ मत करो भैया आप, यहाँ पे जीरो से पाई बाई सॉरी जीरो से पाई है, जीरो से सिर्फ और सिर्फ क्या है पाई है, ठीक। हम क्या करते हैं इसमें से हमने माइनस को बाहर कर लिया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस जीरो से पाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। माइनस अब आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स जीरो से पाई, बस आप वैल्यू रख दीजिए माइनस हो गया तो पहले क्या रखेंगे अपर तो हो गया आएगा साइन पाई फिर माइनस लोअर यानी साइन जीरो माइनस। अब आपको पता है कि साइन पाई यानी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है जीरो और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो पूरा क्या गया जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 कहां पे है 1 से लेके √3 तक, तो क्या हो जाएगा देखिए और क्या है 1/(1+x²), देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/(1+x²) क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी, तो सिंपल सी इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स x लिमिट कहाँ से 1 से लेके √3 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो पहले क्या रखेंगे अपर तो यानी tan इनवर्स √3 माइनस फिर लोअर tan इनवर्स 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। अब बताइए √3 tan के कितने डिग्री वैल्यू होता है tan 60 मतलब आपको पता है ना कि tan 60 इज इक्वल टू √3 और 60 मतलब क्या पाई बाई 3,
तो यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाई थ्री माइनस टेन इनवर्स, एक किसका होता है टेन पैतालीस, तो टेन पैतालीस मतलब क्या टेन पाई बाई फोर, इस पर्थवे रेडियन में आप इलेवेंथ में, ठीक है। तब टेन इनवर्स टेन हट गया तो क्या आ गया पाई बाई थ्री, ये भी हट गया तो क्या आ गया पाई बाई फोर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 12, तीन चौके 12, 4 पाई और 4 3 पाई, कितना हो गया पाई बाई 12 हो गया आंसर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डीएक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 to 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। तब देखिए अब आपको पता है किसका फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 to 1। क्या कुछ टफ लग रहा है आपको? नहीं ना, रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले अपर 1 हो गया माइनस साइन इनवर्स, फिर 0 रखेंगे लोअर हो गया, तो कितना हो गया कि साइन इनवर्स 1। अब आपको बताना है कि 1 साइन के कितने का वैल्यू होता है, 90 का, 90 का, तो 90 मतलब क्या पाई बाई 2 का, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, ठीक। अब देखिए यहां से साइन इनवर्स से साइन क्या इक्वेट होगा तो क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 2 और साइन खत्म क्या आ गया यहाँ पे 0, तुम्हारा आंसर क्या क्या पाई बाई 2, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अब जो भी था सातवां आठवां जो भी था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का कोई डिफिनेशन कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला तो पता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब 2 को हम यहां दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपान क्या हो गया 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 डीएक्स, इतना कर सकते हैं। अब देखिए बाहर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 2, अब देखिए यहां पे 0 से पाई बाई 2 यहां क्या बचा 1 प्लस कॉस 2x डीएक्स हो गया। अब देखिए यहां पे क्या आ गया 1 बाई 2, ठीक। अब इनका एक साथ कर दो या तो अलग अलग कर दो, तो आपको पता है कि 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस, अब देखिए एक्स कितना यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, हमने एक ही में कर दिया। फिर क्या करेंगे हम अपर इसके बाद लोअर, ठीक है, यानी 1 बाई 2 पहले क्या रखेंगे अपर, यानी हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का साइन है साइन 2 इंटू पाई बाई 2, फिर क्या रखेंगे माइनस हो गया बीच में फिर लोअर, यानी 0 हो गया प्लस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखिए 1 बाई 2 यहां क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस, देखिए 2 से 2 कट गया
बचा क्या वन बाय टू इंटू, यहाँ क्या गया साइन पाई, साइन पाई मतलब क्या है साइन 180, और साइन 180 बिल क्या होती है जीरो, यहां से जीरो, ये ब्रैकेट खत्म, माइनस, अब देखिए जीरो हो गया, साइन यहां पूरा क्या आ गया वन बाय टू इंटू साइन जीरो, ठीक है, तो आ गया वन बाय टू, यह क्या बचा आपके पास पाई बाय टू प्लस जीरो, यहां से क्या आ गया जीरो हो गया, और साइन जो की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो पूरा क्या हो गया जीरो। अब वन बाय टू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, वन बाय टू का पाई बाय टू में, तो हो जाएगा पाई बाय फोर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो से टू बाई थ्री, जीरो से टू बाई थ्री डी एक्स अपान फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो उन सब वीडियो को देखिएगा, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पे तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ये हो गया जीरो से टू बाई थ्री, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं वन अपान, ठीक है, इन दोनों में हम पहले बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि एक्स स्क्वायर कोफिशियंट पहले हम कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना है नाइन, तो इन दोनों से अगर हम नाइन बाहर लेते तो यहाँ क्या आ जाएगा फोर बाई नाइन, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स होगा ना। अब देखिए यानी बाहर कितना आएगा तब, क्योंकि ये हमारा क्या है हर में यानी डिनोमिनेटर में है, तो वन बाई नाइन लिमिट जीरो से टू बाई थ्री वन अपान, इसको क्या लिख सकते हो आप टू अपान थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, ठीक। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है ना, कि वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा वन बाई नाइन इंटू फॉर्मूला क्या है वन अपान ए, तो वन अपान ए कितना है टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए कितना है टू बाई थ्री, और लिमिट कहां से कहां तक जीरो से टू बाई थ्री तक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए हो जाएगा वन बाई नाइन इंटू थ्री ऊपर गया थ्री बाई टू, तो क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स थ्री ऊपर जाएगा तो थ्री एक्स अपान टू लिमिट जीरो से टू बाई थ्री हो गया। फिर क्या करेंगे पहले अपर इसके बाद लोअर, ठीक, तब देखिए थ्री थ्री जा नाइन, तो ऊपर क्या हो गया वन और थ्री टू जा सिक्स, ठीक है ना। फिर क्या रखेंगे पहले अपर टेन इनवर्स, ठीक है थ्री इंटू देखिए क्या थ्री एक्स है ना, तो थ्री इंटू एक्स इतना टू बाई थ्री पूरे का डिवाइड क्या है टू, माइनस टेन इनवर्स थ्री इंटू लोअर कितना है जीरो बाई टू, इतना हो गया। अब देखिए हो गया वन बाई सिक्स टेन इनवर्स थ्री से थ्री कट गया टू से टू कट गया, तो क्या बचेगा वन माइनस टेन इनवर्स, देखिए जीरो में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो में टू का डिवाइड करेंगे तो जीरो, इतना हो गया। बस आपका सॉल्यूशन हो गया वन अपान सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन है, तो टेन के कितने का वैल्यू होता है टेन पैतालीस यानी पाई बाई फोर, तो यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स जीरो किसका होता है टेन जीरो का, तब यहां से आ गया टेन जीरो, ठीक है। बस अब देखिए क्या आ गया वन अपान सिक्स टेन इनवर्स टेन खत्म, तो क्या बचा यहां से पाई बाई फोर, यहां से खत्म क्या आ गया जीरो, तो सीधा आंसर क्या हो गया पाई अपान छ चौके चौबीस, यही हमारा क्या हो गया आंसर, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा कि इस रात में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह से शाम तक हम कोचिंग बिजी रहते हैं, कोचिंग स्कूल में जो भी टाइम मिलता है आपके लिए कुछ बेटर करने के लिए थोड़ा समय मिलता है। तो सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 0 to π/4 2 sec² x + x³ + 2 dx। माय डियर फ्रेंड, इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।